बीमार छुटिया पापड़ वाले नू आखिर ये बल्ब फीलिंग्स पकड़ता क्यों नहीं यार? हाँ? घसीटे ये है मेरा नया आविष्कार, ये बल्ब बिना बिजली के तार के कनेक्शन के भी जल सकता है यार, मगर मैं इसको ह्यूमन फीलिंग से जोड़ना चाहता हूँ। आदमी सोचे तो तेज हो जाए, आदमी सोचे तो धीमा हो जाए, सोचे तो बंद हो जाए यार, मगर ये ह्यूमन फीलिंग से जुड़ ही नहीं रहा है। बोलो क्या करूँ, कैसे करूँ यार? हाँ बाबा, अगर थक रहो तो ये लो केला खाओ, केला से बहुत जल्दी एनर्जी मिलता है, बहुत ताकत मिलता है, जल्दी ही कोई आइडिया आ जाएगा। भैया ये क्या हो गया? ये बल्ब मेरे सिर में फिट कैसे हो गया? इसे निकालो। ओए मोटू मेरे पाए मेरी यार, कसम मेरे मरीजों की, ये बल्ब अब ऐसे नहीं निकलेगा यार। उड़ी बाबा, अरे निकलेगा कैसे नहीं? ऐसा बल्ब को निकालने का हमको 20 साल का तजुर्बा है, आप भी निकालता हो। मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया यार, मैं कामयाब हो गया। बल्ब मोटू के इमोशन से जुड़ गया। देखो जब मोटू रो रहा है तो बल्ब जल रहा है यार। मोटू मेरे पाए मेरी यार, मुबारक हो, मुबारक हो, मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया यार। तुम जितना तेज रो रहे हो बल्ब की रोशनी उतनी ही बढ़ती जा रही है यार। आओ मेरे गले लग जाओ मेरे प्रा, आओ यार। खबरदार जो मुझे गले लगाया तो दूर रहो। अरे ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत? दोस्त मुसीबत में है और ये खुशी मना रहे हैं। पतलू चलो यहाँ से। अरे मोटू ये रोशनी तो बहुत बढ़िया है। थोड़े दिन बाद मेरे बेटे की शादी है, उसकी बारात में घोड़े के आगे आगे चलते जाना, मेरा रोड लाइट्स का खर्चा बच जाएगा। अरे पतलू देखो ना, ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे कहाँ हो चिंगम सर? अरे माँ मोटू मेरी आँखों में इतनी तेज टॉर्च क्यों मार रहे हो? चिंगम सर ये टॉर्च नहीं है, बल्ब है, बल्ब। ये सब डॉक्टर झटका की वजह से हुआ है, वो हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ी कर ही देता है। उसकी वजह से मेरे सिर में ये बल्ब चिपक गया है। आप उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। जितना रोता हूँ ये बल्ब उतनी ही तेज रोशनी देता है। ओए माँ तो हंसो, रोशनी बंद हो जाएगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, कभी कभी गलत आदमी भी सही सलाह दे देता है। मोटू हंसो, रोना बंद करो। अरे माँ पतलू तुमने हमको गलत आदमी बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सॉरी चिंगम सर, वेरी सॉरी। मोटू को हंसाने के लिए गलत सेंटेंस बोलना पड़ा। देखिए उसकी रोशनी कम हो गई, अब आप जल्दी से मोटू को ठीक करने का कोई उपाय कीजिए प्लीज। डॉक्टर झटका। हाँ चिंगम सर यार, हाँ मैं ढूंढ ही तो रहा हूँ। उस बल्ब को निकालने का कोई ना कोई उपाय जल्दी ही मिल जाएगा यार। तब तक आप लोग मोटू को हंसाते रहो। हाँ बहुत दिन हो गए, कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, बैंक नहीं लूटा। अगर ऐसे ही चुपचाप घर में बैठा रहो तो अपने रेपुटेशन का क्या होगा? मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। कुछ तो करना पड़ेगा। आज रात पूरा फुरफुरी नगर लूटेंगे। तुम लोग पावर हाउस वाले रूम में ट्रांसफार्मर को बंद कर देना। पूरे शहर में अंधेरा रहेगा और मैं पूरा शहर साफ कर दूंगा। फिर जॉन बनेगा डॉना। जॉन बनेगा डॉन। हमारा घर में चोरी हो गया सर। चिंगम सर मेरी दुकान में चोरी हो गई। अरे चिंगम सर बैंक लूट गया। पतलू किधर हो? मोटू को बुलाओ और रोशनी करवाओ जल्दी। पूरे शहर की लाइट गुल है और बहुत सारी चोरियां हो रही है। जल्दी कुछ करो, जल्दी 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 जल्दी। मोटू मेरे पाए मेरे यार, कसम मेरे मरीजों की। इतनी जोर से रो यार, इतनी जोर से रो कि पूरे शहर में रोशनी हो जाए। हाँ यार। अच्छा मजाक है बड़े भैया, बड़ी हंसी आ रही है। बूढ़ी बाबा, अरे मोटू तुमको रोने के लिए बोला तो तुम हंस रहा है। अरे घसीटे हंसी आ रही है तो हंस रहा हूँ, बिना बात के क्यों रोऊं? अरे मोटू रो रो, पूरे शहर में अंधेरा हो गया है। जॉन उसका फायदा उठाकर चोरियां कर रहा है। अरे पतलू मैं क्या करूँ? जाओ जाके चिंगम सर को बोलो कि जॉन को पकड़े, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आइडिया, इसे पुरानी दुख भरी बातें याद दिलाती हैं, फिर ये जरूर रोएगा। मोटू पता है यार, जब एक बार तुम बस की छत पर से गिरे थे तब तुम्हें कितनी चोटें लगी थी यार। हाँ। अरे वो भी क्या दिन थे। पतलू मेरे यार मेरे पाए, चलो बाहर चलकर जॉन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ये मोटू तो मदद करेगा नहीं यार। हाँ। अरे तुम लोगों के साथ मैं भी आ रहा हूँ, मदद के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन रोना भी तो आना चाहिए। मन में इमोशन आए तब तो आंखों से आंसू टपके। अरे वॉश बेसिन का नल है क्या कि खोला और पानी आ गया? अरे पतलू कहाँ गया? पतलू गायब हो गया। कैसे गया? किधर गया? कहाँ गया? वो क्या पता यार कहाँ गया। अंधेरे में किसी गड्ढे में गिर गया होगा या फिर नाले में या किसी गाड़ी से टकरा गया होगा। लेकिन ये सब जो भी हुआ वो मोटू की वजह से हुआ है यार, क्योंकि मोटू ने रोशनी नहीं की। हाँ यार। पतलू कहाँ चले गए? पतलू पतलू मेरे दोस्त पतलू। नंबर 1, लाइट का ट्रांसफार्मर ठीक से बंद नहीं किया क्या? ये रोशनी कहाँ से आ रही है? मुझे क्या पता बॉस, लाइट तो अभी भी बंद है, अभी भी लीवर डाउन है। सर जॉन 3 नंबर गली में छुपा है। The name is Chingam. और चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल. बोले तो ये इम्पॉसिबल. पतलू, अरे पतलू कहाँ चले गए? मेरे दोस्त को ढूंढो, मेरे दोस्त को ढूंढो.